है इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गढ़वाल और कुमाऊं में रैलियां करेंगे राजनाथ सिंह, चमोली के गौचर में जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं गढ़वाल प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए जुटाएंगे समर्थन। तो गढ़वाल प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी, उनके समर्थन में ये रैली की जा रही है। चंपावत में अल्मोड़ा से प्रत्याशी अजय टमटा के पक्ष में होगी रैली, काशीपुर में नैनीताल से प्रत्याशी अजय भट्ट के पक्ष में रैली का आयोजन, वहीं बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे राजनाथ सिंह। तो रक्षा मंत्री का आज उत्तराखंड दौरा रहने वाला है, ये दौरा काफी ज्यादा खास है, सभी प्रत्याशियों के पक्ष में वो रैली करेंगे, गढ़वाल और कुमाऊं में रैलियों का आयोजन होगा, चमोली के गौचर में जनसभा को वो संबोधित करेंगे और उनके साथ ही गढ़वाल प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए समर्थन भी जुटाएंगे। चंपावत में अल्मोड़ा के प्रत्याशी अजय भट्ट के पक्ष में भी रैली होगी, काशीपुर में भी रैली का आयोजन होगा, बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी इस दौरान गिनवाई जाएंगी। तो उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गढ़वाल और कुमाऊं में रैलियां करेंगे राजनाथ सिंह, वहीं चमोली के गौचर में जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं गढ़वाल प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए समर्थन भी जुटाएंगे राजनाथ सिंह। तो बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, तमाम विपक्षी दलों को टक्कर देने के लिए जोरों शोरों से चुनावी अभियान भी जारी है। ऐसे में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के दौरे पर हैं, गढ़वाल और कुमाऊं में रैलियों का दौर भी रहने वाला है, वहीं चमोली के गौचर में रैली का आयोजन होगा, चंपावत में अल्मोड़ा से प्रत्याशी अजय टमटा के पक्ष में रैली होगी, काशीपुर में नैनीताल से प्रत्याशी अजय भट्ट के पक्ष में रैली का आयोजन, बीजेपी सरकार की उपलब्धियां इस दौरान उनके द्वारा गिनवाई जाएंगी। तो उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गढ़वाल और कुमाऊं में रैलियां करेंगे राजनाथ सिंह, वह चमोली के गौचर में जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ चुके हैं देहरादून से। तो ज्ञानेंद्र, आज उत्तराखंड का दौरा रहने वाला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, उनके क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाले हैं, मिनट टू मिनट स्केड्यूल की जानकारी दें। बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र बड़े नेताओं के जो दौरे हैं स्टार प्रचारकों के, वो उत्तराखंड के अंदर देखे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक है एक एक कर वो उत्तराखंड में आ रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आज की बात करें तो राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं केंद्रीय, वो उत्तराखंड के दौरे पर हैं और ऐसे में देखा जाए तो अभी थोड़ी देर बाद वो जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं और देखा जाए तो 11:30 बजे से उनका जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। 3 बड़ी जो जनसभाएं हैं वो देखी जा रही हैं 3 क्षेत्रों में। सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है वो गौचर में है, लोहाघाट में है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इन जनसभाओं के जरिए अगर हम देखें तो जो कार्यक्रम तय किए गए हैं, पौड़ी लोकसभा के लिए जो प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी उनके लिए वो जनसभाएँ करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद सीधे वो अजय टमटा अल्मोड़ा के जो प्रत्याशी हैं भाजपा के उनके पक्ष में लोहाघाट में वो कहीं ना कहीं अपने कार्यक्रम जो जनसभाएं हैं उसमें उपस्थित रहेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो नैनीताल के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं अजय भट्ट उनके पक्ष में वो जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो राजनाथ सिंह 3 लोकसभा क्षेत्रों में आज अपनी बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और ऐसे में अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। साफ तौर पर अगर हम देखें तो राजनाथ सिंह का कहीं ना कहीं उत्तराखंड में लगातार आना जाना रहता है, हमने देखा है अक्सर उनका आना जाना रहता है और ऐसे में रक्षा के क्षेत्र में जो काम देश के अंदर हुए हैं उन बातों का जिक्र वो अपने संबोधन में रख सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर ज़्यादा संख्या में जो यहाँ के युवा हैं, यहाँ के जो सैनिक हैं वो देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ऐसे में रक्षा मंत्री देश की कहीं ना कहीं सेना की बात करते हुए नजर आएंगे और सेना में तमाम जो व्यवस्थाएं बेहतर किए गए हैं पिछले 10 वर्षों के अंदर उसका वो जिक्र करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के राजनाथ सिंह का ये दौरा चुनावी दौरा है और इस दौरे के मद्देनज़र अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वो वोट मांगते हुए नजर आएंगे और अभी 10:40 में वो जौलीग्रांट एयरपोर्ट पे जो पहुंचने का समय था उनका, और बताया जा रहा है कि थोड़ी देर
बाद वो यानी कि अभी थोड़ी देर बाद वो जौलीग्रांट एयरपोर्ट से हेली के माध्यम से वो चमोली के लिए रवाना होने वाले हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आज उनका दौरा बेहद खास रहने वाला है और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे और ऐसा ही स्टार प्रचारकों का देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की जो स्टार। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज इस वक्त उत्तराखंड के दौरे पर हैं और इसी कड़ी में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच रहे हैं। इन दौरों का विपक्ष पर क्या कुछ असर पड़ता हुआ ज्ञानेंद्र, क्योंकि विपक्ष का आत्मविश्वास अब कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ जरूर नजर आ रहा है? देखिए, विपक्ष ने भी पूरी रणनीति बना के रखी है, अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में वो भी उतार रहे हैं। अगर देखें तो प्रियंका गांधी 13 तारीख को उत्तराखंड में आ रही हैं, उत्तराखंड के अंदर जो जनसभाएं हैं वो उनकी रखी गई हैं और ऐसे में वो जनसभाओं में शिरकत करेंगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगती हुई नजर आएंगी, अपने प्रत्याशियों के मनोबल को बढ़ाने का काम, कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने का काम और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उसे उठाने का काम वो करती हुई नजर आएंगी। जो रणनीतियां हैं कांग्रेस की तरफ से तय कर ली गई हैं, कांग्रेस के भी नेता अपने चुनाव प्रचार को धार देते हुए उत्तराखंड के अंदर नजर आ रहे हैं। कल प्रियंका गांधी आएंगी और जो संबोधन में उनकी बातें होंगी, जिन मुद्दों को जनता के समक्ष रखेंगी, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर विपक्ष किस रणनीति और किन मुद्दों के सहारे उत्तराखंड में अपने प्रत्याशियों के जीत को लेके आगे बढ़ रही है, ये देखने वाली बात होगी। कल से कांग्रेस का भी मजबूती से जनसभाएं और रैलियां देखने को मिलेंगी। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।